तो गाइस हमें लगभग 3 घंटे हो गए हैं जाम में फंसे हुए और अभी तक पता नहीं कहाँ तक है। क्या गाड़ियाँ ठुकती हुई जिंदगी में पहली बार देखी और फिर झगड़े भी देखे, फिर हाथापाई भी देखी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम अपनी बुआ के यहाँ और यहाँ मौसम बहुत एपिक है। अभी हम जा रहे हैं एक मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर है, मतलब मम्मी के टाइम, मम्मी यहाँ रहती थी पहले। हाँ आप लोग जाओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, मेरे को रास्ता नहीं पता, मैं आता रहूंगा। अभी मम्मी लोग जा रहे हैं वहाँ से, शॉर्टकट से पैदल रास्ता है और कार हमने नीचे पार्क करी है। तो रात को तो पूरा रास्ता दिखा ही नहीं, ऐसे डर लग रही थी क्योंकि जानवरों की भी, और इतनी बढ़िया नींद आई ना थक के। एंड अभी हम जाते हैं और मैं नहा लिया अभी सुबह सुबह, ठंडे पानी से नहाया भाई, एपिक था। और देखो कार हमारी कहाँ पर है, ये देखो मौसम भाई साहब, तो प्यारा मौसम हो रहा है। और कार देखो हमारी किधर है, उतनी दूर। और ये हमारी बुआ जी, और कैसे हो, रास्ता किधर से नीचे ही है ना। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे कार पे, कार ले जानी उधर, पापा लोग वहां से शॉर्टकट से आ रहे हैं पैदल वाले रास्ते से। और ये रास्ता, अरे नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगा। तो देखो कितना पतला रास्ता है यार, रास्ता बहुत पतला है यार, यहाँ बहुत नैरो रोड है, बट कोई नहीं, ये अलग रास्ता मतलब मेन रोड से अंदर गया है गाँव की तरफ को। और अभी मम्मी लोग आ गए होंगे, देखो कहाँ पे हैं ये, पापा लोग मुझसे पहले पहुंच गए। पीछे क्या हुआ, ये शॉर्ट ये छाता कहाँ रखूं। तो अब मम्मी का घर आएगा, मम्मी आपको याद नहीं आ रही घर के अपने, याद कहाँ। ये मम्मी का घर आ गया बीच रोड में, मैं बचपन में यहाँ कितना खेले थे। 12 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स यहाँ ये घर। और यहाँ से हम खेलने आते थे, ऊपर तक टॉप में आते थे, एंड उसके बाद वहाँ कुत्ता होता था, वो भौंकता था, हम डर के हमारे भाग के आ जाते थे। तो ये पुरानी यादें, तो काफ़ी मतलब पुराने दिन की याद आ गई। पूरा कितना बढ़िया था ये, मतलब इतना आलिशान सा घर था उस टाइम पे, पर अब खंडर सा हो गया, बहुत ही कंडीशन बेकार हो गई। अभी बारिश बहुत तेज हो गई है भाई साहब, बहुत तेज हो रही है बारिश, कैसे रहेंगे, बहुत तेज बारिश हो गई। मम्मी यादें ताजा, तो ये देखिए यहाँ इस मंदिर में लोटे में पानी भरने जाना पड़ता है नदी में, उस सामने नदी सी है, बट हम भरेंगे यहाँ से, ये देखो मस्त थोड़ी देर में भर जाता ही है, अब कम हो गया, अभी तक तो बहुत तेज फ्लो था इसका। पापा लोग ये मेन रास्ते से जाएंगे पीछे से, एंड मैं यहाँ से कार लेके पापा लोगों को मिलूंगा कॉमन पॉइंट पे। तो चलो चलते हैं, यहाँ बहुत स्लिपरी है रास्ता, बहुत नेक्स्ट लेवल, बारिश इतनी तेज हो गई सडनली, पूरा भीग गया, मेरे शॉर्ट्स पूरे भीग गए हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और इतनी थकान लग गई है, मतलब लिटरली मतलब अच्छी खासी कार्डियो हो गई मेरी आज का, बहुत कैलोरीज बर्न हो गई, उतनी दूर से आया हूँ मैं। आज हम हैं जाली में और एक घर पर हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं, बाहर बहुत बारिश है और अभी हमें हल्द्वानी निकलना है, लेकिन संभवतः ऐसी स्थिति में क्या होने जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये खाना बनने जा रहा है और खाने की स्पेशल डिश में आज ये बन रहा है, ये अगेठी में बन रहा है, ये बनाने वाली गिर गई है, अगेठी में बन रहा है, ये गावा बना रही है। हाँ पर कोई बात नहीं, इसको फ्राई करके। अभी खाना बन गया है
अरे क्या है पापा? क्या ये गबनू साग छे रहे? और मैं खा रहा हूँ करी चावल झोली। अब खाते हैं चावल। नहीं कमजोरी नहीं, फिट हो गए। अच्छी तो अच्छी बात है फिर। अरे फूल तो रखो, ये हवा हवा। अब आ गया टाइम जाने का, तो बहुत मजा आया यार। मतलब 5 दिन की ट्रिप में, और सबसे ज्यादा मजा यहाँ आया। मतलब बहुत टाइम बाद आया। देखो कितने फूल, फूल ही फूल, और ऊपर एक मंदिर भी है। वहाँ जाने की सोच रहे थे पर लेट हो गई। और ये व्यू देखो यार। चलो बाय बाय। तो अभी हम आ गए यहाँ हेड़ा खान मंदिर में। तो देखते हैं, बहुत प्यारी जगह है। ये देखो, ये होटल भी है यहाँ पर। मम्मी लोग यहाँ, चलो चलते हैं। लोकेशन तो बहुत प्यारी है, बट एक दिक्कत है कि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं अंदर जाना। बाकी तो बहुत प्यारी जगह है। ये क्या है, हिमालय रेंज यहाँ से दिखती है। ये देखिए हिमालयन रेंज, बट अभी फॉग के कारण नहीं दिखेगा। आम आदमी का मानना है कि ये शिव स्वरूप है, ये शिव का अवतार माने जाते हैं। इनका नाम है परमहंस योगानंद। ने इनके अवतार पर के बारे में जो पूर्वी थे लिखा है कि ये सृष्टि की रचना में कई बार इनका जन्म हो चुका है, और समय समय पर ये हमारे भारतवर्ष में अवतरित कई रूप में होते रहे हैं। जन्म नहीं माना जाता इनका, इनका ये माना जाता है कि गर्भ से जन्म नहीं हुआ था इनका। तो उसके बाद जो है 14 फरवरी 1984 को बाबा जी की समाधित हो गए थे। जितने समय में भी यहाँ रहे, इनने जो सत्य और पर सरलता एवं प्रेम का संदेश लोगों को दिया। और यहाँ पर भी चिंजड़ में इनका एक स्थान बनाया गया था, बनाया गया है, और ये भव्य भव्य मंदिर है। और यहाँ पर लोग बाहर से, हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से कई लोग आते हैं। तो पापा का इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पापा यहाँ से पढ़ के बता रहे हैं। बहुत भूख लग गई थी हमें, तो हम खा रहे हैं। मम्मी खा रही है अभी एक गर्म समोसे, एंड पापा को ऑयली खाना नहीं खाना। ये देखो समोसे खा रहे हैं अपना, छोले अपना ऑर्डर करके, और ये गरम गरम चाय। एंड मेरा ऑर्डर अभी आ रहा है, मैं छोले चावल खाऊंगा। कम्प्लीटली एक हफ्ते बाद तो अभी हमारी रसमलाई आ गई है। देखिए देखिए रसमलाई मस्त एकदम। अब पापा आज खा लो आप, अब आपकी कल से डाइटिंग चलेगी एक्सट्रीम लेवल हार्डकोर डाइट, सुन लो आप। अभी हम भीमताल क्रॉस कर लिए हैं, एंड अभी मेरे कजन का यहाँ होटल खुला है। पूरा मतलब ये बन रहा है, इसमें रूफ टॉप भी बनेगा, और यहाँ से पूरा हल्द्वानी का व्यू आ रहा है। मतलब बहुत एपिक सा सीन है। अभी तो खैर नहीं दिखेगा, अभी तो बहुत कोहरा लगा है, बट ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ऐसे कैमरे में पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये देखो, मतलब वो पार्ट, वो गौला नदी है यहाँ से, ये मुझे कुछ नहीं पता, रानीबाग साइड, और उसके पीछे हल्द्वानी पूरा। तो बहुत बढ़िया बनेगा, आएंगे देखेंगे, कुछ टाइम बाद बन जाएगा, मतलब अराउंड दिवाली तक। एक बंदा भी गया था आगे, वो वापस बैक करके ला रहा है। देखो ये देखो बहुत, मतलब लगे लोग वेट कर रहे हैं, पर जबरदस्ती जाना है तो ऐसी तो होना पूरा लम्बा। अरे अंकल पीछे आते हुए, और एक बार अंकल पीछे आते हुए, ये रूल्स तोड़ के गए थे। 3 गए थे, एक बज गया। हाँ, एक ने घुसा लिया। हाँ, एक अंदर डाल दिया, बलिनो थी शायद उसके। हाँ, बहुत गंदे जाम में फंस गए हम लोग।
तो गाइस हमें लगभग 3 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए और अभी तक पता नहीं कहाँ तक है। 1000 years later तो फाइनली हम एंटर कर गए हल्द्वानी और बहुत मतलब हालत ही खराब हो गई। लगभग 3-4 घंटे का जाम लगा था। 4 घंटे तक तो हम वेट ही कर रहे थे और 10-10 मिनट मतलब ऐसे 1 मिनट का जाम था और बहुत सारा इंतजार करके बहुत सारे एक्सीडेंट देख के बहुत सारी लड़ाइयां देखी और आखिरकार हमने वो जाम पार कर लिया लड़ाइयां देख के भी। और मतलब ऐसे इतने स्मूथली एक्सीडेंट हो रहे थे ना, इतना स्मूथली प्यार प्यार से एक्सीडेंट हो रहे थे। ऐसे जा रही गाड़ी है, दूसरी गाड़ी ऐसे ठप्पे में पूरे पूरी बॉडी बाहर। हम लोग पापा भी थक गए हो गए। कैसा लगा पापा जाम का एक्सपीरियंस? कैसा था? बहुत बढ़िया। गाड़ियां ठुकती हुई जिंदगी में पहली बार देखी। लाइव एक्सीडेंट लाइव देखी और फिर झगड़े भी देखे, फिर हाथापाई भी देखी, फिर पुलिस रिएक्शन भी देखा और इन 4 घंटों में बहुत कुछ देख लिया। जैक मेरा रू जैक हम फाइनली आ गए हैं घर। बहुत थक गए हैं, मतलब लिटरली बहुत नींद आ रही मुझे तो। और करते हैं डिनर इसके बाद और वीडियो की एडिटिंग भी कर लेंगे। हालत तो नहीं है बट करने वाली, पर देखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।